एक बार की बात है, किसी गांव में चंगू और मंगू नाम के दो दोस्त रहते थे। चंगू बहुत ही लालची और धोखेबाज किस्म का इंसान था, जबकि मंगू बहुत ही ईमानदार और सच्चा था। वो दोनों गांव के बाजार में पानी पूरी बेचा करते थे। फिर एक दिन दोनों पानी पूरी का सामान खरीदने शहर जा रहे थे, तभी जंगल के रास्ते में पड़ने वाली नदी से उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दोनों दौड़कर नदी के किनारे जाते हैं। वो देखते हैं कि एक साधु महाराज नदी में डूब रहे हैं। बचाओ, बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचाओ। दोनों दोस्त पानी में कूदकर साधु महाराज को बचाकर बाहर ले आते हैं। तुम दोनों ने मेरी जान बचाकर मुझ पर उपकार किया है, कहो मैं तुम दोनों के लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने सुना है आप साधुओं के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, आप अपनी किसी जादुई शक्ति से मेरे लिए ढेर सारे सोने के सिक्के प्रकट कर दीजिए, ताकि मैं अमीर बन जाऊं और मजे से अपनी जिंदगी जी सकूं। देखो, मैं तुम्हें सोने के सिक्के तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम दोनों को एक एक जादुई छड़ी दे सकता हूँ। फिर साधु महाराज अपनी जादुई शक्ति से वहां दो छड़ी प्रकट कर देते हैं। इन दोनों छड़ी को तुम जिस चीज पर रखोगे, उस चीज का आकार विशाल हो जाएगा, लेकिन हाँ, इससे तुम सोने और चांदी को विशाल बनाने की भूल मत करना, और साथ ही इन छड़ियों का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करना, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। इस तरह दोनों दोस्तों को छड़ी देकर साधु महाराज जंगल में चले जाते हैं। जादुई छड़ी पाकर दोनों दोस्त अपने अपने घर लौट जाते हैं, और घर जाने के बाद मंगू अपनी पत्नी और बेटी को जादुई छड़ी के बारे में बता देता है। पिताजी, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, आप थम्स अप पानी पूरी बेचना शुरू कर दीजिए। बेटी, आइडिया तू मुझे पहले भी दे चुकी है, लेकिन थम्स अप खरीद कर उसकी पानी पूरी बनाना बहुत महंगा पड़ेगा। तू अच्छी तरह जानती है, इतनी महंगी पानी पूरी कोई नहीं खरीदने वाला। पिताजी, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए, मैं चाहती हूँ कि आप जादुई छड़ी से किसी थम्स अप की बोतल को विशाल बना दीजिए और उसके नीचे एक छोटा सा नल फिट कर दीजिए। उसके बाद हमें मुफ्त में थम्स अप मिलेगा और बहुत ही कम लागत में हम पानी पूरी बेच सकते हैं। अरे वाह बेटी, ये तो तूने बहुत ही कमाल की बात कही है। फिर अगले दिन मंगू अपनी जादुई छड़ी से एक थम्स अप की बोतल को विशाल बना देता है, और साथ ही उस बोतल के नीचे एक नल भी फिट कर देता है। उसके बाद मंगू थम्स अप पानी पूरी बेचना शुरू कर देता है। मंगू के ठेले में बगल में एक विशाल थम्स अप की बोतल देख लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो जाती है। फिर सभी लोग मंगू से पानी पूरी लेकर खाने लगते हैं। अरे वाह भैया, तुम्हारे पानी पूरी का स्वाद तो बहुत ही गजब है। लाओ लाओ, मुझे और पानी पूरी खिलाओ, लाओ। हाँ भैया, मुझे भी पेट भर पानी पूरी खिलाओ, 5 प्लेट पार्सल भी दे देना। इस तरह शाम तक मंगू बहुत सारे पैसे कमा लेता है। अरे वाह, इस मंगू ने तो जादुई छड़ी से थम्स अप की बोतल को विशाल बना दिया, इसकी अच्छी कमाई हो रही है। लेकिन मैं इससे 2 कदम आगे की सोचता हूँ, अब मैं इसी तरह लोगों को शराब बेचूंगा, उसके बाद मैं कुछ ही महीनों में करोड़पति बन जाऊंगा। फिर चंगू उस बोतल को लेकर बाजार में पहुंच जाता है। आओ आओ, बहुत ही सस्ती कीमत में अच्छी शराब पियो, 100 रुपए की शराब सिर्फ 50 रुपए में। चंगू की आवाज सुनकर गांव के सारे शराबी उसकी दुकान पर आना शुरू हो जाते हैं। फिर चंगू पैसे लेकर सभी को शराब देने लगता है। देखते ही देखते ये चारों तरफ फैल जाती है, और आसपास के इलाके के सभी शराबी सस्ती शराब के लालच में चंगू के पास आने लगते हैं। ये सब देख मंगू को बहुत बुरा लगता है। चंगू भाई, ये गलत बात है, तुम साधु महाराज की दी हुई छड़ी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। देख, मैं तो तुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ, इसलिए तुम मुझसे जल रहे हो। चल जाए यहाँ से, अब दोबारा मुझे ज्ञान देने मत आना, वरना मैं तेरी पिटाई कर दूंगा, समझ गया ना? चल भाग यहाँ से। इस तरह चंगू मंगू को डांट कर वहां से भगा देता है।
दूसरी तरफ बहुत ज्यादा कमाई की वजह से चंगू के अंदर घमंड आ जाता है और वो सभी के साथ बदतमीजी से पेश आने लगता है, जबकि मंगू हर शाम अपनी आधी कमाई गरीब और लाचार लोगों में बांट दिया करता था। फिर एक दिन चंगू के पास कुछ पुलिस वाले शराब पीने आते हैं। पुलिस वालों को शराब देने के बाद चंगू उनसे पैसे मांगने लगता है। तू हमसे पैसे मांगता है, तेरी इतनी हिम्मत? देखो मैं मुफ्त में किसी को शराब नहीं देता, तुम्हें पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अच्छा तो ये बात है, लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद पुलिस वाले हथौड़े से शराब की बोतल को तोड़कर चकनाचूर कर देते हैं और साथ ही चंगू के ऊपर गैर कानूनी तरीके से शराब बेचने का इल्जाम लगाकर उसे जेल में भी बंद कर देते हैं। साहब मेरे पति से गलती हो गई, उन्हें छोड़ दीजिए। फिर पुलिस वाला चंगू की जमानत के लिए ढेर सारे पैसे मांगता है। चंगू की पत्नी घर में रखे सारे पैसे लाकर पुलिस वाले को दे देती है। इस तरह चंगू की बेईमानी की कमाई एक ही झटके में चली जाती है। देख लिया ना आपके बुरे काम का अंजाम, अब आप सुधर जाइए और फिर से पहले की तरह पानी पूरी बेचना शुरू कर दीजिए। तभी वहाँ मंगू आ जाता है। चंगू भाई अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरी दुकान पर काम कर सकते हो, मैं तुम्हें हर महीने अच्छी तनख्वाह दूंगा। बुरे वक्त में मेरी सहायता करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, अब मुझे अकल आ गई है, अब मैं जिंदगी भर ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलूंगा। फिर अगले दिन से चंगू मंगू की दुकान पर काम करते हुए हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालची और धोखेबाज लोग कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और एक न एक दिन उनका अंजाम बुरा होता ही है, इसलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। रामपुर गांव में ढुल्लू नाम का एक लड़का रहता था। ढुल्लू के पिताजी बढ़ई का काम करते थे और बाहर लकड़ियों से तरह तरह के सामान बनाया करते थे। ढुल्लू हमेशा शरारतों में आगे रहता था। एक दिन ढुल्लू अपने दोस्तों के साथ तालाब किनारे पतंग उड़ा रहा था। चली रे चली पतंग मेरी, चली रे, देखो बादलों से पार हो चली रे। इस बार तू बच नहीं पाएगा, इस बार मैं तेरी पतंग काट कर ही रहूंगा। अरे लालू आज फिर पतंग लड़ाते हैं, अगर मैं हार गया तो मैं अपनी नई वाली पतंग तुझे दे दूंगा। वाह वाह क्या बात है, हारने के लिए तैयार हो जाओ फिर। आज तक ढुल्लू किसी से नहीं हारा है, अपन झुकेगा ना। लालू और ढुल्लू पतंग लड़ाने लगते हैं। ढुल्लू की पतंग लालू की पतंग को काटने वाली होती है कि वहाँ पर एक खिलौने वाला हेलीकॉप्टर आकर ढुल्लू की पतंग को काट देता है। कट गई ढुल्लू की पतंग कट गई। अरे चुप करो, मेरी पतंग तुमने नहीं काटी है, ये तो इस पंखे वाले गाड़ी की वजह से कटी है। अरे ढुल्लू तू हमेशा उल्लू ही रहेगा क्या, इसे हेलीकॉप्टर कहते हैं, लेकिन हमारे गांव में ये हेलीकॉप्टर किस माई के लाल के पास आ गया। तभी वहां पर मोंटी आ जाता है। मोंटी महंगे कपड़े और काला चश्मा लगाया होता है। वो रिमोट से हेलीकॉप्टर उड़ा रहा होता है। अच्छा तो ये हेलीकॉप्टर तुम्हारा है, तुमने ही अपने हेलीकॉप्टर से मेरी पतंग काटी है। तुम लोग अभी भी पतंग उड़ाते हो? ये देखो मेरा लेटेस्ट हेलीकॉप्टर, ये रिमोट से चलता है। कौन हो तुम जो हमारे गांव में आकर हमारा ही मजाक उड़ा रहे हो? मैं इस गांव में नया आया हूँ, मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है, ये मेरा एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला हेलीकॉप्टर देख रहे हो, मेरे पिताजी ने विदेश से मंगवाया है। चलो हटो यहाँ से, मैं यहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा। मोंटी बहुत ही रईस बाप का बेटा था, उसके पास महंगे महंगे खिलौने और सामान थे। इस बात का फायदा उठाकर मोंटी हमेशा दूसरों के ऊपर रौब जमाया करता था। मोंटी ढुल्लू और लालू को वहाँ से हटाकर वहाँ पर खुद हेलीकॉप्टर उड़ाने लगता है। कल का आया हुआ लड़का हमारे पतंग उड़ाने की जगह हड़प रहा है। मैं तो चला उससे दोस्ती करने, मुझे तो वही हेलीकॉप्टर उड़ाने को मिलेगा। ढुल्लू बिल्कुल अकेला हो जाता है। गांव के सारे लड़के मोंटी के पीछे लग जाते हैं। मोंटी इस बात का फायदा उठाकर उन लड़कों से अपने सारे काम करवा लिया करता था। ये देखकर ढुल्लू को बहुत बुरा लगता है और वो घर जाकर अपने पापा से हेलीकॉप्टर दिलाने की जिद करने लगता है। पापा मुझे भी हेलीकॉप्टर चाहिए, वो मोंटी अपने हेलीकॉप्टर दिखाकर हम सभी को चिढ़ा रहा है। बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इस गांव में एक छोटा सा बढ़ई हूँ, मैं इतना महंगा हेलीकॉप्टर कहाँ से लाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हूबहू वैसा ही लकड़ी का हेलीकॉप्टर बना सकता हूँ। सच में
फिर तो मैं अपने हेलीकॉप्टर के साथ मोंटी के हेलीकॉप्टर से रेस लगाऊंगा। लल्लन अपने बेटे के लिए हूबहू वैसा ही उड़ने वाला लकड़ी का हेलीकॉप्टर बनाकर तैयार कर देता है। डुल्लू हेलीकॉप्टर को देखकर बहुत खुश होता है और वो हेलीकॉप्टर को लेकर तालाब के किनारे जाता है। डुल्लू भी वहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर उड़ाने लगता है। डुल्लू का हेलीकॉप्टर मोंटू के हेलीकॉप्टर से कहीं ज्यादा ऊपर और तेज उड़ने लगता है। अरे, ये किसका हेलीकॉप्टर है जो मेरे हेलीकॉप्टर से भी ऊपर उड़ रहा है? क्यों मोंटी, चौंक गए ना? हिम्मत है तो आकर मेरे हेलीकॉप्टर के साथ रेस लगाओ। रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। दोनों हेलीकॉप्टर रेस लगाने लगते हैं। डुल्लू का हेलीकॉप्टर मोंटी के हेलीकॉप्टर से कहीं ज्यादा तेज और ऊपर उड़ रहा होता है। ये देखकर मोंटी को गुस्सा आ जाता है। मोंटी चुपके से एक पत्थर उठाकर डुल्लू के हेलीकॉप्टर के ऊपर मारता है, जिस वजह से डुल्लू का हेलीकॉप्टर टूटकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर मोंटू और उसके दोस्त हंसने लगते हैं। जा, तेरा हेलीकॉप्टर तो टूट गया, अब क्या रेस लगाएगा? मैं जानता हूँ तुमने ये जानबूझकर किया है। चले जाओ यहाँ से, बड़े आए मुझसे बराबरी करने के लिए। मैं मानता हूँ मेरे पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह छल कपट नहीं करता हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो कल हेलीकॉप्टर रेस हो जाए। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तुम इस टूटे हुए हेलीकॉप्टर से कैसे रेस लगा सकते हो, मैं भी देखना चाहता हूँ। डुल्लू हेलीकॉप्टर को उठा लेता है और वो अपने पिताजी के पास लेकर जाता है। पिताजी, मेरा ये हेलीकॉप्टर टूट गया, इसे फिर से लगा दीजिए ना। आज मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इसे नहीं बना सकता। डुल्लू हेलीकॉप्टर को लेकर वहां से चला जाता है और सोचने लगता है, मैंने तो मोंटू को चैलेंज कर दिया है, अगर कल मैं हेलीकॉप्टर लेकर नहीं गया तो सभी के सामने मेरी नाक कट जाएगी। तभी डुल्लू की नजर सामने बंबू पर जाती है और वो खुद बंबू का हेलीकॉप्टर बनाने लग जाता है। बहुत मेहनत के बाद उसके हेलीकॉप्टर बनकर तैयार हो जाता है। अब वो रेस के लिए बिल्कुल तैयार होता है। अब मैं देखता हूँ इस मोंटी को, उसे तो मैं हरा कर ही रहूंगा। अगले दिन हेलीकॉप्टर रेस शुरू हो जाती है। कभी मोंटू का हेलीकॉप्टर आगे तो कभी डुल्लू का हेलीकॉप्टर आगे होता है। डुल्लू का हेलीकॉप्टर दूर हवा में मजे से उड़ रहा होता है। तभी मोंटू का हेलीकॉप्टर एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है और वो नीचे गिरकर पूरी तरह से टूट जाता है। अरे, ये क्या हो गया, इतना महंगा हेलीकॉप्टर टूट गया, अब तो मेरे पापा मुझे बहुत डांटेंगे। ये हेलीकॉप्टर खास उनके दोस्त ने विदेश से लाकर दिया था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी बंबू का हेलीकॉप्टर बना दूंगा, उसके बाद हम दोनों साथ में हेलीकॉप्टर रेस लगाएंगे। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, जैसे मैंने तुम्हारा हेलीकॉप्टर टूट जाने पर मजाक उड़ाया था। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ, तुम रो मत। सच में मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर तुम्हारा हेलीकॉप्टर तोड़ा था, इसके बाद भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। मुझे पता है दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। डुल्लू मोंटी के लिए भी बंबू का हेलीकॉप्टर बनाता है। दोनों हेलीकॉप्टर रेस लगाने लगते हैं। वाह, ये हेलीकॉप्टर तो बहुत अच्छा है, ऐसा हेलीकॉप्टर मेरे शहर के दोस्तों को बहुत पसंद आएगा, क्यों ना हम दोनों मिलकर बंबू हेलीकॉप्टर बनाने का बिजनेस शुरू करें। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इससे मेरे पिताजी को भी घर चलाने में आसानी होगी। इसके बाद से डुल्लू बंबू हेलीकॉप्टर बनाने लगता है और मोंटी उसे शहर में बेचने में मदद करता है। दोनों का बिजनेस बहुत फूलता फलता है और दोनों में पक्की दोस्ती हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।